बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अपने तखील को मजबूत बनाने की जस्तजू में रहते हैं वो ऐसा मुतालिया करते हैं जो उनमें कामयाबी हासिल करने का जोश पैदा करता है। हम क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इस बात का फैसला इस बात से होता है कि हमारा अपने बारे में क्या तसव्वुर है। जो लोग ऐसी तस्वीरों और आर्टिकल्स को संभाल लेते हैं जो उनके तखयल की दुनिया को रोशन, वाजी और रंगीन बना सकते हैं, या वो लोग जो अपने तखयल को बुलंद रखते हैं या अपने आप को तखयल में कामयाब होता हुआ देखते हैं, वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उन्हें एक आला जिंदगी गुजारने का हौसला और उम्मीद देते हैं। तखयल आपका असासा होता है, आपके लिए हैरत अंगेज काम कर सकता है। आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद तय कर लीजिए, उसे पूरी तवज्जो दें, खुद को कामयाबी के रूप में देखें, जहन में मौजूद इस तस्वीर से नजरें ना हटाएं। अगर ऐसा कर सकें तो आपको शानदार कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने जहन में अपनी कामयाबी की तस्वीर जरूर बनाएं, अपने तखयल में खुद को कामयाब होता जरूर देखें। एक तालिब इल्म की कहानी तखयल के हवाले से। एक तालिब इल्म ने जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उसके पास एक धात का बना हुआ एक अलामती निशान था। वो उसका नक्श हर वक्त अपने जहन में रखता था मगर इसके बारे में किसी से बात नहीं करता था। यूनिवर्सिटी में तालीमी सफर के इख्तिताम पर उसे बेहतरीन तालिब इल्म का अवार्ड दिया गया। जब वो अपना इनाम वसूल करने स्टेज पर गया तो वो इलामती निशान उसकी जेब में था। ये निशान दर हकीकत उस अवार्ड के पहले हरफ पर मुश्तमिल था। ये तालिब इल्म को सारे तालीमी सफर में याद दिलाता रहा कि उसने सबसे बड़ा अवार्ड वसूल करना है। और फिर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो उसको यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बेहतरीन तालिब इल्म का अवार्ड उससे नवाजा गया। और ये जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो उस वक्त उसने सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी का बेहतरीन तालिब इल्म का अवार्ड एक दिन जरूर हासिल करूंगा। और इसी तखयल की बदौलत, इसी इमेजिनेशन की बदौलत, अपने इसी ख्वाब की बदौलत उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि उसने यूनिवर्सिटी के बेहतरीन तालिब इल्म का अवार्ड हासिल किया। एक 10 साल बच्चे ने एक अजीम फुटबॉलर बनने का ख्वाब देखा। वो एक गरीब वालदेन का बेटा था, फाकों के बायस हड्डियों की बीमारी का शिकार भी हुआ। ये लड़का उस वक्त के बहुत बड़े खिलाड़ी जिम ब्राउन से मिलने के लिए घर से निकला। इसके पास मैच का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे लेकिन वो किसी न किसी तरह इस खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब हो गया। उस लड़के ने जिम ब्राउन से कहा, जो अपने वक्त का एक अजीम फुटबॉलर था, एक अजीम फुटबॉल का खिलाड़ी था, उसने ऑटोग्राफ लेते वक्त जिम ब्राउन से कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने जिम ब्राउन के तमाम बेशतर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। ये तमाम भी उस लड़के की ख्वाबों की बदौलत हुआ कि उसने शुरू में ही ख्वाब देख लिया कि मैं अपने दुनिया के अजीम फुटबॉलर के मैं रिकॉर्ड जो है वो तमाम तोड़ूंगा। इसी ख्वाब को हकीकत का रूप धारने के लिए, इसी ख्वाब को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की।
और यही वो ख्वाब था जिसने उसको दिन रात चैन नहीं लेने दिया। और एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि उसने उस अजीम फुटबॉलर के बेशतर रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर हम भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ी इमेजिनेशन बनाते हैं, कोई बड़ा तखील बनाते हैं, कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं और फिर उस ख्वाब को हासिल करने में लग जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस वक्त हम अपने ख्वाब हासिल कर चुके होंगे, हम अपने तखील को, अपनी इमेजिनेशन को हकीकत के रूप में जो है वो देख चुके होंगे। लिहाजा अपने तखील को बुलंद से बुलंद रखें।